सो गाइज़, मुझे बहुत दिन से लोग पूछ रहे थे कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, वीडियोस क्यों नहीं आ रहा, अपना पर्सनल ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूँ, यही रीज़न था मेरा कोई भी पर्सनल ब्लॉग ना आने का, क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, और एमरजेंसी में जो है उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। यही रीज़न था जो मैं इस चैनल पर एक्टिव नहीं थी, ना मैं हो पा रही थी, क्योंकि उनको हॉस्पिटल चेकअप के लिए लेके गए थे, उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उन्होंने एकदम से ऑपरेशन के लिए बोल दिया डॉक्टर ने। तो हम हॉस्पिटल सर्च करने लगे, अच्छा हॉस्पिटल जो हमें ठीक लगे या बेटर मेरे हस्बैंड का, अच्छे से वहाँ पर इलाज हो सके, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिला। और ना मैं हॉस्पिटल में व्लॉग बनाना चाहती थी, ना मेरा मन था बिल्कुल भी, इसी वजह से 2-3 दिन हम हॉस्पिटल में रहे थे, बट मैंने नहीं कुछ भी बनाया। हे एवरीवन, सो आज थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को चेंज लग रहा है, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके आई हूँ, और हॉस्पिटल इसीलिए लेके आई हूँ क्योंकि इनका जो है अर्जेंट ऑपरेशन होना था, जिसकी वजह से हमें बहुत अर्जेंट और एमरजेंसी में इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी सी अपडेट दे दूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, बात व्लॉग की नहीं है, बट मेरा मन किया, क्योंकि मैं अकेले बैठी थी इस टाइम यहाँ पे, सो मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँ और थोड़ा अपने आप को अच्छा फील करूँ। पहले मेरा मन किया कि मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि मेरा मन बहुत भारी भारी हो रहा था, बट मैंने कहा नहीं, लाइव नहीं आऊँगी, वीडियो छोटी सी शूट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मैं इनको लेके आई थी, इनको कल से पेन था, कल से हम हॉस्पिटल में घूम रहे थे इधर उधर, कभी डॉक्टर किसी के पास, कभी किसी के पास। सो अभी सॉरी एक मिनट। सो फिर उसके बाद कल हॉस्पिटल में जाने के बाद रात के टाइम पे इनका शाम के टाइम पे इनका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर उसमें पता लगा कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, तो उन्होंने बोला कि अब भी इमरजेंसी में जो है आपको इनका ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। बट टाइम रात का था, तो कहाँ लेके जाते क्या करते, इसलिए तब इनका पेन थोड़ा सा कम हुआ, फिर हमने सुबह तक वेट की। बट इनको तो रात को 2 बजे के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो सुबह हम जैसे तैसे मॉर्निंग हुई हमारी, फिर इनको हॉस्पिटल लेके आए, और उसके बाद है जो इमरजेंसी में इनका अर्जेंट ऑपरेशन कराना पड़ा हमें। मैं लेके आई थी इनको 10 बजे हॉस्पिटल, और इनका 12:30 बजे ऑपरेशन हो गया था, 12:30 से 1:30 बजे तक इनका ऑपरेशन हुआ, 1 घंटे तक मतलब कंप्लीट हो गया सारा, और उसके बाद है जो ये अपने वार्ड में आ गए रूम में। सो अभी बैठे हैं, सारा दिन तो रेस्ट थी इनकी, रेस्ट कर रहे थे, अभी जस्ट उठे तो इनको बोला डॉक्टर ने चाय और बिस्किट दे दो, फिर चाय बिस्किट देने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए फ़ोन चला रही है। अभी बिल्कुल ठीक है, बस प्रे करना कि जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए, वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, मुझे पता है इतने ये स्ट्रॉन्ग है। किस चीज़ का ऑपरेशन है, क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूँ। इनके ना काफ़ी टाइम से जो है हमें लग रहा था कि पेट में दर्द है, पेट में दर्द है, या इनको कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी मंथ से जून से इनका पेन स्टार्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि छोटा मोटा होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, इन्हें भी लगा। बट मैंने इनको बोला था जब इनके फर्स्ट टाइम पे पेन स्टार्ट हुआ, तो मैंने बोला था ना आपको, वो दिखा देना जो निकाल रहा है। नहीं, वो नहीं दिखा सकते, वो नहीं देख सकते, ये रहने को ऐसे तरह अलाउड भी नहीं है मेरे ख्याल से वो चीज़ें। सो मतलब उनके जो हमारा स्टोन होते हैं, हमारे जो मतलब कि किसी के स्टोन्स निकल जाते, इनका जो है हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर ही बोलते हैं था ना, पित्त, उसमें जो है इनकी बहुत ज़्यादा स्टोन था, वो मतलब पूरी तरह भर चुका था, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ गई थी, और वो मतलब कुछ भी हो सकता था, और भी चीज़ें डैमेज हो सकती थी अगर अर्जेंट ऑपरेशन ना करवाते, या एक आधी होती तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ा गैप ले लेते, बट इनको मल्टीपल है, मतलब बहुत सारे थे जिनकी वजह से इनका अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ा और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आना पड़ा। तो इस इन चीज़ों से हमें सीख ये मिलती है कि अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होना, हमें ना कभी छोटी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए, है ना, कोई भी इनको इनको प्रॉब्लम होती थी, इनको लगता था कि छोटी चीज़ है, चाहे मैं ही हूँ, हमें कभी भी अपनी बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमें कोई चीज़ अगर एक बारी होगी ठीक है, अगर सेकेंड टाइम रिपीट होने लगी ना, तो उसी टाइम हमें वो चीज़ दिखा लेनी चाहिए, पता है आपको, ये सबक मिली हमें, है ना। तो मैंने
ये चीज़ मुझे सबक मिल गई बहुत अच्छी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि काफ़ी टाइम से जो है मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे, जो कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी, और जिस हिसाब से मेरे हेयर फॉल हो रहे थे उस हिसाब से मुझे तो कभी कभार लगने लगे थे कि शायद कहीं मैं कंची ना हो जाऊँ। सो मेरे हेयर फॉल इस वजह से हो रहे थे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैं अपने बालों की केयर नहीं कर पा रही थी, या मुझे मैं कभी अपने बालों में ऑयलिंग नहीं करती थी या कुछ भी, जिसकी वजह से मेरे बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बालों में। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, एक दिन मैंने एक वीडियो देखी और मेरे आंखों के सामने आया न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल। जी हाँ बिल्कुल, इसको मैंने 30 दिन यूज़ किया, देन मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ उसका। और ये बहुत ही अच्छा तेल ऑयल है न्यूड का कैरेट सीड हेयर ऑयल, जो कि आप लोगों को भी यूज़ करना चाहिए। मैं आपको उसकी रिजल्ट बताती हूँ। मैंने कुछ महीनों पहले एक वीडियो देखा कि सोशल मीडिया विच स्टार्टेड देन कैरेट सीड हेयर ऑयल कैन हेल्प मी प्रिवेंट हेयर फॉल, क्योंकि कैरेट सीड्स में होता है विटामिन ए, अल्फा, बेटा एंड गमा और कैरेटिन्स, एंड जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में आपकी हेल्प करता है, हेयर फॉल को रोकता है। तो मैं बहुत अमेज्ड हो गई थी एंड स्टार्टेड डूइंग मोर रिसर्च ऑन इट, क्योंकि एनी हाउ मेरे को मेरा हेयर फॉल रोकना था। देन आई फाउंड आउट अबाउट न्यूड प्रीमियम कैरेट सीड हेयर ऑयल। सो ये हेयर ऑयल यूज़ करने से 30 डेज में 70% हेयर फॉल कम हो जाता है। तो मैंने उसी टाइम इसे ऑर्डर कर लिया एंड आई थॉट देखते ही कि हेयर फॉल कम होया या नहीं। सो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पूरे जर्नी में 30 डेज की, मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया था, मैंने आपको दिखाया। तो मेरे को ये ऑयल यूज़ करते हुए 30 डेज हो चुके हैं एंड गाइज रिजल्ट आप देख सकते हो, अमेजिंग है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ थे और काफ़ी ज़्यादा फ्रीजी, मतलब कॉम करते हुए भी बहुत ज़्यादा बाल झड़ते थे। देन अभी इस टाइम मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा। सो मैंने हेयर ऑयल के साथ साथ है जो हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज भी स्टार्ट किया, बट स्टिल आई मस्ट से ये ऑयल ने मेरे बालों पे जादू कर दिया है। सो मैंने तो हैशटैग से नो टू हेयर फॉल विद न्यूड चैलेंज ले लिया एंड आई हैव बीन सुपर इम्प्रेस्ड एंड बारी है आपकी ये चैलेंज लेने की। सो जस्ट चेक आउट द परचेजिंग लिंक्स बिलो एंड ऑर्डर नाउ। वीडियो को जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया। अब रेगुलर मैं होने की कोशिश करूँगी इस चैनल पे, और रेगुलर बेस में मेरी वीडियोस आएंगी और मैं अपने हस्बैंड की अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि फिलहाल ये घर पे ही है। सो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करूँ, और मेरा मन नहीं था कि मैं हॉस्पिटल में वीडियोज़ बनाऊँ। बनाने को तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ बना सकती थी, बट मेरा मन ही नहीं हुआ, क्योंकि जब आपके घर में कोई ठीक नहीं होता ना, तो आपका मन नहीं करता कि आप वीडियो बनाओ, या आपके दिमाग में आए कि नहीं आपके हस्बैंड बीमार है तो मैं उसको भी एक अपना व्यूज़ के लिए मैं वीडियोस बनाऊं। तो मेरा मन नहीं करा बिल्कुल भी, इसलिए मैंने नहीं बनाई। छोटी सी क्लिप मेरा बनाने का मन किया तो मैंने बना लिया, उसके अलावा मैंने कोई वीडियोज़ नहीं बनाई है। बाकी आपको वीडियोज़ है जो घर की देखने को मिलेंगी, घर में जो है अपना रूटीन मैं कैसे बिताती हूँ उनके साथ, वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, बाय।